मदद करने वाले भूत और चुड़ैल। रात का समय होता है, सुनसान से जंगल में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। छोड़ दो मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी इज्जत के साथ मत खेलो, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे, कितनी मुश्किल से तो तुझे लेकर आए हैं, आज तो तू हमारा भोजन बनेगी। चल भाई इसको झाड़ियों की तरफ ले चल, अब वहीं इसका इलाज करेंगे। नरेश और कालू प्रिया को घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगते हैं। देखते ही देखते वो दोनों उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिसके बाद प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और उनके पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अरे किसी भी लड़की ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमें लड़कियों से ही नफरत है, इसलिए हम तुम्हें मारना चाहते हैं। आज तो तू नहीं बचने वाली। ऐसा कहकर वे दोनों उसके साथ हाथापाई करते हैं। तभी एक भूत और चुड़ैल वहाँ पर प्रकट होते हैं और ये सब देखकर आपस में एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये लोग इस बेचारी लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। ये लोग ठीक नहीं है, हम इस लड़की को इन लोगों से बचाना होगा, चलो अभी इनकी खैर खबर लेते हैं। ऐसा कहकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद कालू और नरेश भूत और चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हे भगवान ये क्या, ये तो भयानक भूत और चुड़ैल यहाँ पर प्रकट हो गए, ये दोनों यहाँ पर कहाँ से आ गए। अरे भाई तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया, अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें, जो लोग दूसरे लोगों के साथ अत्याचार करते हैं हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब तू हमारे हाथों से नहीं बच सकता। ऐसा कहकर दोनों भूत और चुड़ैल कालू और नरेश को उठाकर पटकते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहीं मर जाते हैं। अपनी मदद एक भूत और चुड़ैल को करते हुए देख प्रिया उनसे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आजकल के जमाने में तो इंसानों के अंदर इतनी इंसानियत ही नहीं कि वो किसी की मदद करे, लेकिन तुम भूत और चुड़ैल होने के बाद भी लोगों की मदद कर रहे हो। ये सुनकर भूत और चुड़ैल बहुत खुश होते हैं, जिनके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और प्रिया वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। भूत और चुड़ैल जैसे ही अपनी गुफा में पहुँचते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, आखिर हम कब तक इस सांप और चुड़ैल के वेश में भूत बनकर यहाँ भटकते रहेंगे। जब तक हम हमारे पापों को धो नहीं लेते तब तक हम यहीं रहेंगे। वे दोनों आपस में अपने पापों की बात कर ही रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा था। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक दिन की बात है, एक चिराग नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर बैठकर बहुत तेजी से जा रहा होता है। मुझे ऐसे हवा में बातें करना बहुत पसंद है, कितना मजा आ रहा है फुल स्पीड में बाइक चलाने में। और मुझे इस तरह खुल कर जिंदगी जीने में भी बहुत मजा आता है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा इसी तरह अपनी जिंदगी को जीते रहें। चिराग और अनामिका दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो जिंदगी को जीने के चक्कर में बहुत सारे गलत काम कर चुके थे। उनके पास जब पैसे नहीं होते थे तो वे दोनों चोरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन वो दोनों पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, जहां वो एक तांत्रिक बाबा को तपस्या करते हुए देखते हैं। अरे वाह देखो तो सही, यहाँ तो तांत्रिक बाबा तपस्या कर रहे हैं, चलो इनकी तपस्या भंग करते हैं। वो दोनों मिलकर तांत्रिक बाबा के सामने नृत्य करना शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाज से तांत्रिक बाबा का ध्यान भटक जाता है और वो अपनी तपस्या छोड़ देते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अनामिका और चिराग को श्राप देते हैं। तुम दोनों ने मेरी कई सालों की तपस्या को भंग किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम्हें भूत और चुड़ैल बनकर लोगों की मदद करनी होगी और उनकी सहायता करनी होगी, तब जाकर तुम्हें एक दिन अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा उन्हें श्राप दे देते हैं, जिसके बाद अनामिका और चिराग दोनों भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं और दर दर भटकने लगते हैं। अपने किए का भुगतान करने के लिए वो लोगों की मदद करते हैं। इतने समय से हम लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें चुड़ैल और भूत से मुक्ति नहीं मिल रही। देखो तुम चिंता मत करो, जब हमारे पाप पूरी तरह धुल जाएंगे तो तांत्रिक बाबा का श्राप भी टूट जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। तभी उन दोनों को एक अजीब सा एहसास होता है, मुझे लगता है कहीं पर खतरा मंडरा रहा है। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, चलो चल कर देखते हैं।
वो दोनों गांव के चारों तरफ यहां से वहां घूमते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत होता हुआ दिखाई नहीं देता। तभी एक रेलवे स्टेशन से बहुत जोरों से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ 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 बचाओ। हे भगवान, अगर आज ये ट्रेन नहीं रुकी तो पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। काश कोई इन्हें बचा ले, काश कोई चमत्कार हो जाए। जैसे ही भूत और चुड़ैल ये सब देखते हैं, वो तुरंत ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल ट्रेन को अपनी शक्तियों से रोकने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते वो दोनों ट्रेन को एक्सीडेंट होने से पहले रोक लेते हैं। आखिरकार हमने लोगों की जिंदगी बचा ही ली। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। आज अगर हम लोग सही वक्त पर ना आए होते तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। भूत और चुड़ैल का ये बर्ताव देख वहाँ के सभी लोग उनका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं कितने सारे लोगों की जान चली जाती। अरे तुमने कई लोगों को एक नई जिंदगी दी है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि तुम्हें अगले जन्म में फिर से इंसान का रूप मिले और तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सको। उनके इतना कहते ही भूत और चुड़ैल इंसान के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक दूसरे को देखकर कहते हैं, आखिरकार हमारे पापा का प्रायश्चित हो ही गया और हमें श्राप से मुक्ति मिल गई। तुम सही कहती हो, ये सब इन लोगों की दुआओं का फल है, वरना हमें पता नहीं कितने सालों तक भूत और चुड़ैल के रूप में ऐसे ही भटकते रहना पड़ता। वो दोनों अपने बारे में लोगों को बताते हैं। उन दोनों के बारे में जब लोग सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। उस दिन के बाद से चिराग और अनामिका दोनों लोगों की मदद करते रहते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चांद पर जाने वाली भूतिया ट्रेन। अरे ट्रेन का टाइम तो हो गया, लेकिन अभी तक ट्रेन क्यों नहीं आई? मेरे कॉम्पिटिशन के लिए देरी हो रही है। रोहन ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी ट्रेन रेलवे स्टेशन की पटरी पर आ जाती है, जिसे देखकर रोहन बहुत खुश होता है और खुद से ही कहता है, अरे वाह, आखिरकार ट्रेन तो आ ही गई। चलो अब इसमें जल्दी से चढ़कर अपनी सीट ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो कोई मेरी सीट पर जाकर बैठ जाएगा। रोहन तुरंत ट्रेन में चढ़ता है और अपनी खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वह ट्रेन के चलने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए सभी पैसेंजर भी ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, ट्रेन चलते चलते बहुत स्पीड पकड़ लेती है और स्पीड पकड़ते ही ट्रेन के अंदर मौजूदा सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो सभी लोग बेहोश हो गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है और मुझे इस ट्रेन में भूत और चुड़ैल क्यों नजर आ रहे हैं? रोहन देखते ही देखते सो जाता है। कुछ ही देर में जब रोहन की आंखें खुलती हैं, वह अपने चारों तरफ देखता है। ये ट्रेन बादल के ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है? जैसे ही रोहन ट्रेन से बाहर उतरता है, वह अपने चारों तरफ देखता है। तभी रोहन की नज़र एक बहुत बड़े तारे पर जाती है। वह तारा बहुत बड़ा और खूबसूरत नजर आ रहा होता है। उसके चारों तरफ प्यारे प्यारे से बादल नजर आते हैं, जिन बादलों पर बैठकर लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये तो चांद की दुनिया है। यानी कि मैं चांद की दुनिया पर पहुँच गया हूँ। क्या बात है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। रोहन चांद के एक बादल पर बैठकर चांद की सैर करने के लिए निकल जाता है। वह तारों को छूता है और बादलों के ऊपर बैठकर उनकी सवारी करता है, जिसके बाद वह चांद की रंग बिरंगी दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर रोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे ये सब क्या देख रहा हूँ मैं, इस चांद पर तो सभी लोग भूत और चुड़ैल हैं। मुझे लगता है चांद के ऊपर भूत और चुड़ैलों की अलग ही दुनिया है। सभी भूत और चुड़ैल आपस में लड़ रहे होते हैं तो कुछ प्यार भी कर रहे होते हैं। एक चुड़ैल तो हाथ में बेलन लेकर अपने पति को बहुत मारती है। अरे देखो तो जरा इस नशेड़ी को, रोज शराब पीकर रात को घर में आता है और कमाने को कहती हूँ तो कमाता भी नहीं है। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बड़ो झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। चुड़ैल अपनी बेलन से भूत को मार मार कर भगा देती है। ये सब देखकर रोहन बहुत हंसता है और वह बादल की सवारी करते हुए चांद के चारों ओर घूमता है। तभी उसे चांद पर कई सारे झूले नजर आते हैं। अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे झूले हैं, मैं इन झूलों पर झूलना चाहता हूँ। जैसे ही रोहन झूलों पर झूलने की कोशिश करता है, वह उन पर झूल नहीं पाता, क्योंकि उन झूलों पर केवल चांद पर रहने वाले भूतिया बच्चे ही झूल सकते थे। अरे ये क्या, मैं तो इन पर झूल ही नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं,
ऐसा सोचकर रोहन बादल के ऊपर बैठकर फिर से चांद की सैर करने के लिए निकल जाता है और तारों को टिमटिमाते हुए देखता है। रोहन अपने सामने इतने बड़े तारों को पहली बार देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद रोहन को बहुत तेज भूख लगती है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मैं चांद की इस दुनिया पर क्या खाऊं? यहाँ पर तो सभी भूत और चुड़ैल हैं, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये भूत और चुड़ैल क्या खाते होंगे। तभी रोहन को चांद पर एक भूतिया ढाबा दिखाई देता है, जिसके बाद रोहन ढाबे के पास जाकर देखता है। वहाँ के भूत और चुड़ैल को ढाबे का खाना खाते हुए वह देखता है। वह हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये भूत और चुड़ैल तो स्पेस के कीड़ों को खा रहे हैं। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं खा सकता। तभी उसे एक बहुत तेज आवाज आती है। अरे, ये तो ट्रेन की आवाज है। लगता है ट्रेन वापस जा रही है। मुझे भी घर वापस जाना चाहिए, और ये मैं कैसे भूल गया? मेरा तो कॉम्पिटिशन भी था, कहीं मैं अपने कॉम्पिटिशन के लिए लेट ना हो जाऊं। रोहन भागता हुआ ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और वह अपने चारों तरफ देखता है। जो पैसेंजर उसके साथ चढ़े थे, बस वही सब ट्रेन में मौजूद हैं। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है और चलते चलते बहुत तेज स्पीड पकड़ लेती है, जिसके बाद सभी पैसेंजर अपने आप बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही रोहन की आँख खुलती है, वह अपने सीलमपुर के स्टेशन पर होता है। हे भगवान, मैं तो सपना देख रहा था। चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन शुरू होने में केवल एक ही घंटा बाकी रहा है। मुझे जल्द से जल्द कंपटीशन में पहुंचना होगा। रोहन जैसे तैसे करके कंपटीशन में पहुंचता है और अपने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। रोहन अपनी ड्राइंग में सपने वाली चांद की दुनिया को बना देता है, जिसके चलते उसे पहला प्राइज मिलता है और वह कंपटीशन जीत जाता है। उस दिन के बाद से रोहन को अपने सपने की बहुत याद आ रही होती है, और एक रात वह अपने मन में सोच रहा होता है, चांद की सैर करने वाला सपना कितना खूबसूरत था, और वो भूतिया ट्रेन भी कितनी प्यारी थी। काश मैं उस भूतिया ट्रेन में बैठकर अपने सभी दोस्तों और माँ पिताजी के साथ चांद पर जा पाता। रोहन ऐसा सोचकर सो जाता है, जिसके बाद रोहन अपने सपने में फिर से रेलवे स्टेशन पर अपने सभी दोस्त और अपने परिवार वालों के साथ खड़ा होता है। अरे वाह, ये तो वही भूतिया ट्रेन है, और इस ट्रेन को चलाने वाला भी भूत ही है। माँ पिताजी, लगता है आज हम दोबारा से चांद की सैर करने जा रहे हैं। लेकिन बेटा, हम तो किराड़ी स्टेशन जा रहे हैं। अरे रोहन, तुम कोई ट्रेन भला चांद पर कैसे जा सकती है? रोहन तो पूरा पागल हो गया है। सभी यात्री जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाइए, भूतिया ट्रेन चांद पर रवाना होने के लिए निकलने वाली है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये तो भूतिया ट्रेन है जो चांद की सवारी करवाती है। सही कह रहे हो रोहन बेटा, चलो अब हम भी चांद की सवारी करने के लिए भूतिया ट्रेन में बैठ जाते हैं। रोहन अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ भूतिया ट्रेन में बैठ जाता है। जैसे ही ट्रेन चलती है, उसके चलते चलते उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, और तभी रोहन उसके दोस्त और उसके माता पिता के साथ ट्रेन में सो जाता है। उनके सोने के बाद जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, वह सभी चांद की दुनिया पर होते हैं। चलो तुम सभी मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें इस चांद की सैर करवाऊंगा। तभी रोहन के पास दो बादलों के ऊपर बैठकर एक भूत और एक चुड़ैल आ जाते हैं। पिछली बार तो तुमने अकेले ही पूरे चांद की सैर की थी, लेकिन इस बार हम तुम्हारी चांद की सैर करवाने में तुम्हारी मदद करेंगे। आओ हमारे पीछे पीछे आ जाओ। रोहन के माता पिता और उसके सभी दोस्त बादलों के ऊपर बैठकर भूत और चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगते हैं। देखते ही देखते भूत और चुड़ैल रोहन और उसके परिवार और उसके सभी दोस्तों को चांद की पूरी सैर करवाते हैं। ये चांद की दुनिया कितनी खूबसूरत है, और यहाँ के भूत और चुड़ैल भी बहुत अच्छे हैं। काश हम भी यहाँ रह पाते। लेकिन आंटी, ये चांद की दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। हाँ हाँ, बहुत वक्त हो गया है, अब हमें वापस लौटना चाहिए। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मैं तुम भूत और चुड़ैलों से पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम लोगों को चांद की सैर क्यों करवाते हो? क्योंकि ये हमारा सपना था। हम चाहते थे कि हम पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा सर्कस बनाएं, जहाँ पर चांद की एक अलग दुनिया हो। हाँ, लेकिन कुछ सर्कस वालों ने हमारे इस प्लान को चोरी कर लिया और हमें मार दिया। तब से हम लोगों को चांद की असली वाली सैर करवाते हैं। तुम लोग तो बहुत अच्छा काम करते हो, मैं तुम्हारे ऊपर और ड्राइंग्स बनाऊंगा और इसमें तुम्हारा नाम भी डालूंगा। भूत और चुड़ैल रोहन उसके दोस्तों और उसके परिवार को वापस ट्रेन में बिठाकर पृथ्वी की दुनिया पर ले आते हैं, जिसके बाद रोहन चांद की दुनिया के बारे में लोगों को बताता है और उनकी ड्राइंग बनाता है। रेलगाड़ी में भूत की बारात। शिखा सैकड़ों सपने लिए आज अपने दुल्हन के जोड़े में बैठी तैयार हो रही थी। चारों ओर उसकी शादी की शहनाई बज रही थी। तभी शिखा की माँ उसकी नजर उतार कर कहती है, आज मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही है कि क्या बताऊं, कहीं मेरी नजर न लग जाए तुझे।
अरे माँ, कभी माँ की नजर बेटी को लगती है? आज तू जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी, भगवान तुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखे। अच्छा, मैं नीचे काम देख रही हूँ, तू ख्याल रख। ये बोलते ही कुसुम चली जाती है और तेज आंधी चलने लगती है। शिखा के कमरे की खिड़की बार बार बजने लगती है, कमरे की लाइट खराब होने लगती है। तभी डरी हुई शिखा कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? मौसम इतना कैसे बिगड़ गया? अब वो बारात लेकर कैसे आएंगे? लगता है मेरी शादी में आज बारिश होकर ही रहेगी। शिखा, शिखा, मैं आ गया, तुम्हारा प्यार आ गया। ये डरावनी आवाज, ये डरावनी आवाज कहां से आ रही है? कौन है यहाँ? तुम्हारा प्यार लौट आया है शिखा, तुम्हारा युवराज। जैसे ही वो आधा जला हुआ चेहरा, भूत वाला चेहरा दिखाई देता है, शिखा के सामने आता है, तो शिखा बेहद डर जाती है और अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहती है, युवराज तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे डर लग रहा है, आज मेरी शादी है और मैं कुछ गड़बड़ नहीं चाहती। शिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे देखकर ऐसे मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, आज हम दोनों शादी करेंगे। वो डरावना भूत शिखा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर ले जाता है और शिखा हाथ छुड़ाकर कहती है, तुम पागल हो गए हो, होश में तो हो युवराज, तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती, तुम भूत हो और मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया तो किस बात की शादी? कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकती तो एक भूत तो अपने प्यार से शादी कर सकता है ना, चलो अब। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बारात आने वाली है, जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम्हारी बारात आने वाली है। ना रहेगा दूल्हा, ना बजेगी शहनाई। ये बोलकर भूत उसके दूल्हे को ढूंढता हुआ उसी रेलगाड़ी में पहुंच जाता है जिसमें सभी बाराती आ रहे थे। रेलगाड़ी कई तरह के फूलों से सजी थी और अंदर सभी बाराती ढोल नगाड़े पर नाच रहे थे और दूल्हा सहरा लगाए बैठा हुआ था। अरे और ढोल वाले, इतनी तेज बजा के लड़की वालों को पता चल जाए कि उनकी बारात आने वाली है। अभी बजाता हूँ। आज मैं अपने दोस्त के लिए गाना भी गाना चाहूंगा। ओ तेनु घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनु दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के, भूतनी के ओ भूतनी के, तेनु घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के। अरे ये तो मेरे लिए गाना बजा रहा है, मुझे नाचना चाहिए। ओ मेनु घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, ओ मेरु दूल्हा मैंने बनाया भूतनी के। ये कहते ही वो भूत नाचने लगता है, तभी रुक कर कहता है, अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस दूल्हे को मारकर उस जगह बैठना है और अपनी शिखा के पास जाना है। अब ये बारात भूत की बारात होगी जिसमें सब लोग नाच कर जाएंगे। ये बोलते ही वो भूत उसके शरीर में घुस जाता है, फिर उसे ट्रेन के टॉयलेट में ले जाकर मार देता है और खुद उसकी जगह आकर बैठ जाता है। अब ये सहरा ही मुझे दूल्हा बनाकर मेरी शिखा तक पहुंचाएगा। मैं बारात लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरी शिखा। अरे भाई, तू भी शादी का लड्डू खाने वाला है, अपनी खुशी तो जाहिर कर। सच बताऊँ तो मैं शिखा से शादी करके उसे सारी खुशी दूंगा जो मैं उसे पहले नहीं दे पाया। पहले कब? तू तो कभी भाभी से मिला ही नहीं। मेरा मतलब है वक्त ही नहीं मिला, तो अब शादी के बाद उसे सारी खुशियाँ दूंगा और इसीलिए मैं गाना चाहता हूँ। काजल की स्याही से लिखी है तूने न जाने कितनी लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। अरे वाह वाह वाह। कुछ ही देर में नाचते गाते हुए ट्रेन अपने स्टेशन पर उतरती है और वो भूत समीर बनकर घोड़ी चढ़ जाता है, जहां सभी बाराती नाचते हुए दुल्हन के घर तक पहुंच जाते हैं और भूत गाता है, अरे पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गौरी खोल दरवाजा। तभी गौरी नाम की उसकी सास दरवाजा खोलती है तो भूत कहता है, अरे मैंने अपनी सोना जानू को बुलाया था पर यहाँ तो सासू माँ ही आ गई, कोई नहीं पहले इनसे निपट लेते हैं। अंदर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारी आरती उतारूं। ये बोलते ही वो भूत आगे बढ़ता है जहाँ कुसुम उसकी आरती उतारती है और टीके के लिए जब सहरा हटाती है
तो उसे सहरे के अंदर एक डरावना भूत दिखाई देता है जिसे देखकर वो चिल्लाती है, भूत कोई बचाओ, कोई बचाओ। कुसुम उस भूत को भगाने के लिए मेन दरवाजा बंद कर देती है, फिर भी वो भूत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और शिखा का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत हो गया शिखा, आज मैं तुझे लेकर ही रहूंगा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी क्योंकि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो तुम। बेटा तू इस भूत को जानती है क्या, क्या हो रहा है मुझे भी पता। माँ ये कुछ महीने पहले की बात है, इस भूतनी के ने मुझे बहुत परेशान किया है। उस शाम जब मैं कॉलेज से जा रही थी तो मेरा दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आ गया, और जब मैंने हटाया तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा और कहा, सॉरी वो हवा की वजह से उड़कर आप पर आ गया। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद हमें ऐसे ही मिलना था। What do you mean? ये कहकर शिखा चली जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज आती है तो रास्ते में युवराज उसे देखकर कहता है, अरे ये तो वही लड़की है, जब से इसे देखा है मेरे दिल का चैन चला गया है कहीं और, इसका नाम क्या है? अरे शिखा, आशिखा रुक मैं भी आ रही हूँ। हाँ आजा आजा, यही खड़ी हूँ, बस आई नहीं अभी तक तो मैं चलने लग गई। अच्छा। दोनों साथ जाती हैं कि युवराज उनके सामने बाइक लिए आ जाता है और कहता है, हाय शिखा, आई एम युवराज, तुम्हारी कॉलेज का ही हूँ, आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तुम वही हो ना, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अभी तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारा नाम लिया, यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आओ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, एक दिन में भला किसी को कैसे प्यार हो सकता है? शिखा ये पहली नजर का प्यार है, और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग सटिया गया है क्या? ये बोलकर दोनों ऑटो में बैठकर चली जाती हैं। वक्त बीतता है, युवराज शिखा की अब हर गली हर चौराहे पर आकर परेशान करने लगता है, पर शिखा नजरअंदाज कर देती है। तभी एक बच्चा उसे लेटर देकर जाता है जिसमें लिखा था, अगर शिखा तुम जंगल में मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहा है युवराज, मुझे इसे जाकर समझाना होगा वरना गलत हो जाएगा। ये बोलते ही दौड़ी दौड़ी जंगल में जाती है जहाँ युवराज उसे कहता है, मुझे पता था शिखा तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं, अब मुझसे एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। युवराज जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं होता, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम अपनी जिद छोड़ दो। ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, पर मैं तुमसे ही प्यार करूंगा और मरने के बाद भी करूंगा, मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। ये बोलते ही युवराज अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेता है और माचिस से खुद को आग लगा लेता है, जिसके बाद वो मरकर भूत बन जाता है। बस तब से ही ये मुझे परेशान कर रहा है, सुबह भी मेरे पास आया था, मैंने इसे बहुत रोका पर इसने समीर को मार डाला। और मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, पर शादी तुमसे ही करूंगा। ये बोलते ही भूत उसे मार डालता है, जिसके बाद वो जुड़ैल बन जाती है और युवराज उसके साथ उसी मंडप में जबरदस्ती शादी करके कहता है, कहा था ना तुम मेरी हो, और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, बाय बाय सासू माँ, अपना ख्याल रखना। इस तरह युवराज की बुरी आत्मा शिखा से शादी कर उसे अपनी दुनिया में ले जाती है। चुड़ैल की ट्रेन पर बाढ़ का कहर। आजमगढ़ गांव के स्टेशन पर लोगों का अक्सर आना जाना था, लेकिन एक हादसे के बाद वहां लोगों का आना जाना कम हो गया। कुछ लोग तो इस जगह को भूतिया स्टेशन भी कहते थे, पर कुछ इन सबको नहीं मानते थे और फिर भी उसी स्टेशन से सफर करते थे। एक दिन गीता और पूर्वी अपनी माँ के साथ गांव जा रहे थे, तभी वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हैं। माँ इस ट्रेन का टाइम तो हो गया है, फिर ये आई क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं बेटी, ये सब तो तुझे और पूर्वी को ही पता होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, भारी वर्षा होने के कारण ट्रेन 2 घंटे के लिए रद्द कर दी गई है, 1 बजे ट्रेन आएगी। ये लो माँ, हम तो वैसे ही ट्रेन के लिए 2 घंटे पहले आए थे, अब ट्रेन और 2 घंटे लेट हो जाएगी। हे भगवान, एक तो जल्दी जल्दी काम करके बिना कुछ खाए आ गई, ऊपर से ट्रेन लेट। माँ आप ऐसा करो, यही खाना खा लो, हम ट्रेन में कुछ और खा लेंगे।
वाओ, अब मैं यही दाल भात खाऊंगी। माँ बेटी स्टेशन पर बैठकर ही खाना खाती हैं। दो घंटे बीत गए, तभी ट्रेन आ जाती है। माँ बेटी सहित बाकी लोग भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के दरवाजे झटके से बंद हो जाते हैं और लाइट जलने बुझने लगती है। ट्रेन में बैठे लोग डर जाते हैं। अरे गीता, पूर्वी बेटा, ये ट्रेन में अजीब अजीब सा क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। माँ आप परेशान मत होइए, बारिश के कारण ट्रेन की लाइट जल बुझ नहीं पा रही होगी सही से। हाँ हाँ माँ, मैं आपके साथ हूँ, डरिए मत। और भी तो लोग हैं ट्रेन में। जहाँ ये सब डर रहे होते हैं, उस डर का कारण कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो कि ट्रेन को चला रही थी। और वो कहती है, ये मासूम लोग जानते नहीं है कि ये ट्रेन मेरे कब्जे में, और अब मैं इन पर इतना कहर करने वाली हूँ कि कभी किसी ने ऐसा कहर देखा नहीं होगा। जरा इन लोगों के पास जाती हूँ, पर ट्रेन चलाएगा कौन? आइडिया, ओम हीम क्लीम, प्रकट हो चुड़ैल दासी मेरी, प्रकट हो। चुड़ैल के कहते ही उसी के जैसी दिखने वाली उसके शरीर से एक चुड़ैल निकलती है, जिसे वो आदेश देते हुए कहती है, देखो तुम मेरा ही अंश हो, जो मुझ में शक्तियाँ हैं अब वो तुम में भी हैं, और अब मैं तुम्हें जो बोलूँगी वही तुम्हें करना है। तुम इस ट्रेन को चलाओ, तब तक मैं आती हूँ। जो हुकुम मलिका। ये कहते ही चुड़ैल उन लोगों के पास जाती है, जिसे देखकर डरे हुए लोग और डर जाते हैं। क्या हुआ, मुझे देखकर तुम सब लोग डर तो नहीं गए? ओफो, काफी डरे हुए हो। तुम्हें पता है ये ट्रेन कौन चला रहा था? मैं चला रही हूँ, और अब तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अरे अरे, कौन हो तुम और इस ट्रेन पर तुमने कब्जा क्यों कर रखा है? चाहती क्या हो तुम आखिर? बिना जलेबी की तरह बात को घुमाए हुए कहूँ तो मैं तुम सब लोगों को मारना चाहती हूँ। अरे हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? मुझे इंसानों से नफरत है। कुछ समय पहले मैंने ऐसे ही तुम लोगों की जान बचाई थी, लेकिन हुआ क्या, मैंने लोगों का अच्छा करना चाहा, पर मेरे साथ ही बुरा हो गया, और इसीलिए अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम सबको। अब आएगा बाढ़ का कहर जो तुम सबको ले डूबेगा। ये कहते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से बाढ़ ले आती है, जहाँ ट्रेन के चारों तरफ पानी ही पानी था। खिड़की से ये देखकर लोग काफी डर जाते हैं। एक दो आदमी तो चुड़ैल से डरकर ट्रेन से कूद जाते हैं। छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें मत मारो, कोई नहीं बचेगा। बोला ना, पानी में समा जाओगे सब। चुड़ैल के ये कहते ही ट्रेन के आगे बाढ़ आती है, और चुड़ैल के बाढ़ का कहर ट्रेन को पानी में डुबो देता है, जिससे ट्रेन के लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और वापस कभी लौट कर नहीं आ पाते। वहीं चुड़ैल फिर लोगों को मारने के लिए उसी स्टेशन पर वही ट्रेन लेकर पहुंच जाती है। अनजान लोग इस ट्रेन में बैठ जाते हैं। चुड़ैल उन्हें भी मौत के घाट उतारने के लिए वही सब करती है जो उसने पहले के लोगों के साथ किया था। तभी ट्रेन की लाइट चली जाती है और मोमबत्ती जलाकर धीरे धीरे चुड़ैल आती है। किसे को खबर कौन है वो, अनजान है कोई। कौन है मेहर, बचाओ बचाओ मेहर, बहुत डर लग रहा है, ये मोमबत्ती लेकर कौन आ रहा है? आओ मुझसे मिलो, मैं आकांक्षा जो अब चुड़ैल बन चुकी हूँ। मैंने सोचा चुड़ैल हो तो बॉलीवुड चुड़ैल की तरह एंट्री मारूं। अरे क्यों पीछे पड़ी हो हम सबके, और तुम यहाँ कैसे? क्योंकि तुम लोगों से अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। जैसे मैं मरी थी वैसे ही तुम सबको मार डालूंगी। कैसे मरी थी तुम? मैं अपनी मौत के बारे में बताना तो नहीं चाहती हूँ, पर तुम्हें वैसे ही मारना है, इसीलिए बता देती हूँ। पिछले साल की बात है, मैं स्टेशन पर आकर ट्रेन चलाया करती थी। मैं एक बहुत अच्छी ट्रेन चालक थी। वहाँ के अधिकारी को मेरा ट्रेन से लोगों को ले जाना इतना पसंद था कि उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। आज मुझे ट्रेन का प्रमोशन मिल गया, ऐसा लग रहा है मेरा ट्रेन चलाने का सपना पूरा हो गया हो। बचपन से ही शौक था कि बड़े होकर ट्रेन चलाऊंगी, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँच जाऊंगी। आज बहुत अच्छा लग रहा है।
हमें खुशी है कि हमारी रेलवे लाइन में तुम जैसी स्वतंत्र लड़की है जो इतने सारे लोगों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा देती है। ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर, अब जाओ, ट्रेन और पैसेंजर्स तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी सर। ये बोलते ही आकांक्षा ट्रेन में आकर ट्रेन चलाती है, लेकिन कुछ देर बाद मौसम खराब हो जाता है, तेज आंधी तूफान चलने लगता है और इसी बीच ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजरती है जो नदी से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। वहीं ट्रेन में बैठे लोग घबरा जाते हैं, तेज बारिश के कारण बाढ़ का सारा बहाव ट्रेन की ओर जा जाता है। वहां ट्रेन अपने पटरी से उतर जाती है और बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ का झटका लगने से कुछ लोग नदी में गिर गए थे, जिन्हें बचाने के लिए वो ट्रेन से आधी लटक कर लोगों को बचाने की कोशिश करती है। हाथ पकड़िए मेरा, कुछ नहीं होगा आपको, आकांक्षा इतना कहती है कि बाढ़ का एक तेज बहाव आता है जो पूरी ट्रेन को अपनी ओर खींच लेता है। सभी लोगों के साथ आकांक्षा भी मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, इन लोगों की वजह से मेरी जान चली गई। ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बाढ़ का कहर मुझे लेकर डूबा था ना, अब मैं इस बार सबको लेकर डूबूंगी। अब समझ तो आ गया ना तुम सब लोगों को कि ऐसे ही मरोगे। चुड़ैल जैसे ही लोगों को मारने के लिए बाढ़ का आवाहन करती है, तभी एक साधु बाबा उस ट्रेन में बैठा उस चुड़ैल की सारी बातें सुनकर कहता है, तुझे क्या लगता है, जैसे तू लोगों को मारती आई है वैसे ही तू हमें भी मार देगी? नहीं, तेरा अंत जरूर होगा। अंत तो तुम्हारा होगा, ये देखो बाढ़ इसी ट्रेन की ओर आ रही है और ये ट्रेन बाढ़ में डूब जाएगी। बाबा, अच्छा हुआ आप इस ट्रेन में मौजूद हैं। जल्दी बताइए इसे मारने के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बेटा, चुड़ैल का विनाश 5 तत्व से होगा, बस तुम किसी तरह अग्नि ले आओ इसे भस्म करने के लिए। हवा, मिट्टी, पानी तो यही मौजूद है। मेहर, तुम अपना लाइटर दे दो इन्हें। हाँ, जी बाबा, ले लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चुड़ैल अपने जादू से साधु को गिरा देती है, पर वो साधु किसी तरह उस पर भस्म डाल देता है, जिससे एक तत्व तो पूरा हो जाता है। उसके बाद दूसरा तत्व अग्नि डाल देते हैं, तीसरा तत्व उसकी रूह था और बाकी 2 तत्व भी वहीं मौजूद थे। इस तरह चुड़ैल एक ही बार में भस्म हो जाती है, मगर बाढ़ का आता सैलाब उन सबको ले डूबता है। कैसे न कैसे करके कुछ लोग अपनी जान बचा लेते हैं और कुछ उसी बाढ़ के कहर में हमेशा के लिए खो जाते हैं। मेट्रो की दीवानी चुड़ैल। दिल्ली में दीपक अपने कॉलेज के लिए मेट्रो पहुंच जाता है। हेडफोन लगाए वो टिकट काउंटर पर जाकर कहता है, एक पटेल नगर का टोकन देना। ये लीजिए। दीपक काउंटर से टोकन लेकर गुनगुनाते हुए ऊपर की मेट्रो ट्रेन की ओर पहुंचता है। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओह, ये मेट्रो कब आएगी, 8 मिनट है अभी तो। दीपक की तरह काफी लोग मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का वेट कर रहे थे, तभी मेट्रो आ जाती है। मेट्रो के दरवाजे खुलते हैं जैसे ही कुछ लोग चढ़ते हैं। फिर दीपक पैर रखने वाला था कि दरवाजा झटके से बंद हो जाता है और मेट्रो तेज रफ्तार से चली जाती है। मेट्रो पर खड़े कुछ पैसेंजर असमंजस में होते हैं और गुस्से से टिकट काउंटर पर जाकर बोलते हैं, साथ ही दीपक भी, अरे ये कैसा सिस्टम है आप लोगों का, ना तो मेट्रो टाइम पर आती है, ऊपर से मेट्रो अभी तो अचानक से सारे दरवाजे बंद हो गए, अगर कहीं किसी को लग जाती तो इसका हर्जाना आप तो भरेंगे नहीं। और क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है, अभी मेरे पैर में लग जाती तो मेरा तो पैर कट जाता, जिंदगी भर के लिए घर बैठ जाता। दूसरी बात, हम अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। देखिए, हमें दुख है आपके साथ जो हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। कृपया अगली मेट्रो ट्रेन 10:05 पर आएगी, तब तक के लिए आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, धन्यवाद। ठीक है, पर आगे से आप इन चीजों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर दीपक और सभी पैसेंजर्स वापस मेट्रो की ओर जाते हैं। कुछ देर में मेट्रो फिर से आती है, तभी सारे पैसेंजर्स उसमें चढ़ते हैं और फिर से मेट्रो के अंदर बैठी चुड़ैल जोर से दरवाजे को बंद कर देती है और हंस कर कहती है, मजा आया ना तुम लोगों को, मुझे तो बहुत मजा आया है तुम्हारे साथ ऐसे खेलने में और इन दरवाजों को तो बंद करने में, अब देखो क्या करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल हाथों से जादू करती है और मेट्रो की सारी लाइटें जलने बुझने लगती हैं। ये सब देखकर मेट्रो के लोग डरने लगते हैं और कहते हैं, अरे अब ये क्या अचानक से होने लग गया। ये मेट्रो वाले भी ना पता नहीं कैसा सिस्टम है इन लोगों का। अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या पता लाइट में कोई फॉल्ट आ रहा हो। हाँ, हो सकता है। तभी मेट्रो में आंधी चलने लगती है।
लोग इधर से उधर गिरने लगते हैं और फिर उठते हैं। तभी मेट्रो तेज रफ्तार से भागती है जिससे लोगों को डर लगने लगता है और आसपास की सीट पकड़कर कहते हैं, अरे ये मेट्रो इतनी तेज रफ्तार से कैसे हो गई? अरे पागल है क्या ऑफिसर जो ऐसे मेट्रो चला रहा है? अब आया मजा इनको तड़पता हुआ देखकर मुझे। मम्मा, मेट्रो ट्रेन इतनी तेज क्यों भाग रही है मम्मा? डरो मत, मुझे पकड़ लो। पता नहीं आज ही मेट्रो कैसे चल रही है सुबह से। इन मेट्रो वाले लोगों की अथॉरिटी से कंप्लेन करनी पड़ेगी, बहुत हो गया इनका, ऐसे तो किसी की जान चली जाएगी। तभी मेट्रो अचानक से अंडरग्राउंड में रुक जाती है। वहाँ की लाइट फिर से जलनी बुझने लगती है और हंसते हुए चुड़ैल आती है, साथ ही मेट्रो की एक स्टाफ भी आता है। आप सब डरिए मत, आप बिल्कुल सेफ हैं। अभी थोड़ी देर में मेट्रो ठीक हो जाएगी। मेट्रो ठीक नहीं होगी क्योंकि तुम सब लोग इससे आगे तो जा नहीं पाओगे। एक एक करके मैं तुम सबको मार डालूंगी। चुड़ैल, भला ये यहाँ कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, चुड़ैल अब क्या होगा मेरा? आलतू जलालतू आई बला कुठालतू, आलतू जलालतू आई बला कुठालतू, जजंतरम ममंतरम, जजंतरम ममंतरम। तेरे इन आलतू जलालतू फालतू मंत्रों से कुछ नहीं होगा, अब तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों हमें मारना चाहती हो? बस मुझे मारना है, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से चुड़ैल सभी लोगों को मार डालती है जिसके बाद वो सारे लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे ही मेट्रो में जो भी आता चुड़ैल उसे मार डालती, कभी किसी को दरवाजे के बीच फंसा देती, तो कभी एक्सेलेटर पर, तो कभी उसने चलती मेट्रो के आगे सफाई कर्मचारी को धक्का दे देती है। इन सब घटनाओं को देखकर सुनकर चंचल नाम की लड़की कहती है, आखिर इस तरह से लोगों को मारकर तुम्हें क्या हासिल होता है? मजा आता है मुझे, अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ इसकी कोई वजह है, बिना मकसद के तो कोई कुछ नहीं करता। जरूर तुम भी शायद किसी चीज का बदला ले रही हो। बोलो, ले रही हो? हाँ, ले रही हूँ मैं बदला। 6 महीने पहले मेरे पति मुझे मेरे गांव से यहाँ लेकर आए क्योंकि मैंने उनसे यहाँ आने की जिद की थी। दरअसल मैं सिकंदरपुरी के गांव में रहती थी, बचपन से ही वहीं पली बड़ी थी इसलिए देहाती थी। गांव में 8वीं तक पढ़ाई के बाद कम उम्र में एक शहर के लड़के सोहन से शादी कर दी गई। 1 साल वह मेरे साथ वहीं रहे लेकिन अगले साल वो मुझे गाँव में छोड़ कर शहर नौकरी करने चले गए। कभी कभी आया करते थे तो मेट्रो की बात किया करते थे। धीरे धीरे मेरे मन में मेट्रो में जाने की ख्वाहिश जगी। मेट्रो में ऐसी चिड़िया होती है, मेट्रो में ठंडक होती है, उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। मन ही मन मैं मेट्रो की दीवानी बन गई थी। इस बार जब वो शहर आए तो एक दिन मैंने उनसे कहा, सोहन इस बार मैं आपके साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ, मेट्रो में बैठकर घूमना चाहती हूँ, प्लीज मुझे ले चलिए। क्या बोला तुमने, जरा फिर से एक बार बोलना। तुमने अपनी शक्ल देखी, अपने कपड़े पहनने का तरीका देखा है? बिल्कुल ही अजीब है। ऐसे मैं तुम्हें कैसे दिल्ली अपने साथ लेकर जाऊं? कहीं मेरे बॉस ने तुम्हें देख लिया तो वो बोलेंगे कि कैसी बीवी से शादी कर ली मैंने। देखिए आप ऐसे मत बोलिए, आप कहो तो मैं शहर के हिसाब से खुद को ढाल कर चलूंगी, आपको अपने बॉस या किसी और के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। प्लीज मुझे ले चलिए, मुझे मेट्रो में जाना है। सोहन बहू इतना कह रही है तो ले जा, 2-4 दिन घुमा के यहीं छोड़ दियो। ठीक है माँ, मैं कल ही इसे अपने साथ ले जाऊंगा। सोहन अगले दिन उसे दिल्ली ले जाता है, साथ ही उसे थोड़े वेस्टर्न कपड़े दिला देता है, जिसके बाद वो उसे मेट्रो में ले आता है। तो उसे एक्सेलेटर पर पाव रखना नहीं आता तो सोहन को पकड़ लेती है जिससे आसपास के लोग हंसने लगते हैं। अरे इसे तो एक्सेलेटर यूज करना भी नहीं आता। पता नहीं कैसे कैसे लोग मेट्रो में आ जाते हैं। देख लिया, तुम्हारी वजह से कितना एम्बैरेसिंग हो रहा है मेरे लिए। ठीक से खड़ी रहो ना। जी खड़ी हूँ। इस तरह दोनों मेट्रो की ओर आ जाते हैं और जैसे ही मेट्रो आती है, पारो उसमें जैसे ही चढ़ती है, मेट्रो के दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं जिसमें वह फंस कर मर जाती है। सोहन भी पारो से बेफिक्र होकर दिल्ली में रहने लगता है, उसकी आत्मा भटकने लगती है। इसलिए मैं मार डालूंगी सबको, जैसे मेरी मौत हुई मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मारना चाहती हूँ सबको, मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई मेट्रो में जीने की, मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। तुम मासूम थी ना, इस ट्रेन में आई यहाँ की चीजें नहीं जानती थी और मर गई। तुम्हारी तरह बाकी लोग भी मासूम हैं जिन्हें तुम बेवजह मार रही हो, उनके परिवार के बारे में तो सोचो, आखिर तुम्हें लोगों को मारकर क्या मिला? तुमने सही कहा,
मुझे हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। चुड़ैल की बात सुनकर उसका पति उसके सामने आ जाता है क्योंकि वह उसी मेट्रो में सफर कर रहा था। तभी उससे माफी मांगते हुए कहता है, पारो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं था और आपने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैंने आपको कब का माफ कर दिया, अब आप खुश रहना। ये बोलते ही चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है।